प्राचीन काल में बीज नाम ब्राह्मण ने सात पुत्र और एक लीलावती नाम की कन्या थी। लीलावती प्रथम बार करवा चौथ के व्रत के दिन भूख से व्याकुल होकर मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। तभी सब भाई आ देख कर रोने लगे और जल से मुंह धुलाकर एक भाई व्रत के वृक्ष पर चढ़कर चलनी से दीपक दिखाकर बहन को बहन से कहा कि चंद्रमा निकल आया। उस अग्नि को चंद्रमा समझ कर दुख छोड़कर वह चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन के लिए बैठी और पहले कौर में बाल निकला, दूसरे कौर में छेगा, तीसरे कौर में सुराल से बुलावा आ गया। सुराल में उसने देखा कि उसका पति मरा पड़ा है। तुम लोग भोग से बाहर इंद्राणी आई और लीलावती ने देखकर विलाप करते हुए बोली कि हे माँ, या किस अपराध का फल मुझे मिला। प्रार्थना करते हुए बोली है मेरे पति का मेरे पति को जिंदा कर दो। इंद्राणी ने कहा कि तुमने करवा चौथ का बिना चंद्रोदय चंद्रमा का अर्घ दे दिया था, यहाँ सब उसी के फल से हुआ है। तथा अब तुम बारह माँ के चौथ के व्रत का व करवा चौथ का व्रत श्रद्धा और भक्ति से विधि पूर्वक करो, तब तुम्हारा पति पुनः जीवित हो जाएगा। इंद्राणी के वचन सुनकर लीलावती ने विधि पूर्वक बारह माँ के चौथ और करवा चौथ का व्रत को बड़ी भक्ति और भाव से किया और इन व्रतों का प्रभाव से उसका पति पुनः देवता सदृश जीवित हो गया। किताब में यह कहा भी लिखी हुआ है बहुत सारी कथाएं भी हैं। अच्छा, तो दूसरी कहानी से वो करी जाती है, कहानी देती बोली जाती है। पहली कहानी एक साहूकार के साथ वाली है, ये तो बड़ी जगह है।
करवा चौथ की दूसरी कहानी प्राचीन काल में एक युद्ध की प्राचीन समय में एक पुत्र स्त्री थी उसका नाम करवा था। वह अपने पति की सेवा करने में कोई कमी नहीं छोड़ती थी। एक कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन उसके पति जब नदी में स्नान कर रहा था तो एक मगरमच्छ उसका पैर पकड़कर नदी में ले जाने लगा। तब पति जोर जोर से करवा करवा कहकर पत्नी की मदद के लिए पुकारने लगा। पत्नी ने कहा कि ये सब देखा तो उसने अपनी साड़ी एक सूत खींचकर मगर की ओर फेंक दिया। वह उस सूत के धागे से बंधकर पति को आगे नहीं ले जा सका। करवा ने फिर धर्मराज को पुकारा। उस पतिव्रता की पुकार पर धर्मराज वहाँ उपस्थित हुए और बोले कि पतिव्रते कहो क्या चाहती हो। करवा बोली महाराज आप धर्मराज का कहते हो और यह अधर्म हो रहा है। देखो मेरा पति नदी में स्नान कर रहा है तो इस मगरमच्छ ने उसे पकड़ लिया है। आप उसे मार कर मेरे पति को बचाएं। यमराज बोले हे पुत्री मगरमच्छ की आयु अभी मरने के लिए नहीं हुई है। अभी ही इसकी आयु शेष है इसलिए मैं इसको मृत्यु नहीं दे सकता। करवा बोले भगवान आप धर्मराज हैं आपका धर्म दुष्टों को दंड देने का है फिर आप क्यों ऐसा क्यों नहीं करते। धर्मराज उसकी बात सुनकर मौन तैयार कर फिर तब करवा फिर बोली तो अब मैं ही मगरमच्छ को नदी के सही नष्ट कर देती हूँ। धर्मराज बोले ऐसा मत कर।